आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में क्या बना हमारे पास, द नंबर ऑफ पेन्स इन थ्री डिफरेंट पेंसिल बॉक्सेस आर इन द रेशियो 1:2:3। ठीक है, नंबर ऑफ पेन का रेशियो क्या होगा ना, तीन पेंसिल बॉक्सेस है जिनके अंदर नंबर ऑफ पेन का जो रेशियो है 1:2:3 है। फाइंड द रेशियो इन विच द नंबर ऑफ पेन्स इन फर्स्ट एंड सेकेंड बॉक्सेस मस्ट बी इंक्रीज्ड सो दैट द न्यू रेशियो बिकम 3:2:2। आपने क्या किया, जो नंबर ऑफ पेन्स थे मेरे फर्स्ट और सेकेंड बॉक्स में इंक्रीज कर दिए। तीन पेंसिल बॉक्स थे जिसमें से फर्स्ट और सेकंड बॉक्स में अपने इंक्रीज कर दिए नंबर ऑफ पेंस, तो उनको किस रेशो में इंक्रीज किया, सच दैट जो तीनों पेंसिल बॉक्स का अब रेशो बन गया मेरा ये बन गया, अब नया रेशो ये बन गया, ये बताना है आपको। ठीक है, यानी फर्स्ट और सेकंड पेंसिल बॉक्स में हमने किस रेशो में इंक्रीज करे, सच दैट रेशो मेरा यहाँ से ये बन गया। देखो अपना पहले न्यू रेशो क्या है अपना, देखो ओरिजिनल रेशो अपना है, इस वजह से बोल देते हैं कि ओरिजिनल रेशो स्टार्टिंग में जो गिवन था, या फिर इनिशियल रेशो बोल सकते हैं इसको, हम इनिशियल रेशो बोल देते हैं। इनिशियल रेशो अगर तीनों पेंसिल बॉक्स में बोलूंगा P1:P2:P3, ठीक है, वो है 1:2:3। ये तीनों पेंसिल बॉक्स का रेशो है अपने पास 1, 2 और 3। ठीक है, अब आपको क्या बोला गया, अब जो रेशो मेरा इंक्रीज होगा ये बन जाएगा, सो हम बोल सकते हैं यहाँ से न्यू रेशो, जो तीनों पेन का न्यू रेशो आ जाएगा अपना आफ्टर इंक्रीजिंग, सो P1:P2:P3 नया पेन का रेशो आ रहा है 3:2:1 अपना। ठीक है, जब आपने क्या करा, इंक्रीज कर दिया कितने, फर्स्ट और सेकंड बॉक्स के अंदर पेन इंक्रीज करे हैं, तो आपको बता दें किस रेशो में इंक्रीज करे, सजेट नया रेशो ये बन जाएगा। देखो हमने क्या करा, फर्स्ट और ये अपना फर्स्ट पेंसिल बॉक्स का रेशो, सेकंड पेंसिल बॉक्स का रेशो है, हमने इनको इंक्रीज किया, जो थर्ड पेंसिल बॉक्स है उसके अंदर हमने पेन इंक्रीज नहीं करे, उसमें जितने पेन पहले थे उतने पेन अभी भी है अपने। ठीक है, बट रेशो चेंज क्यों है, क्योंकि आपने फर्स्ट और सेकंड बॉक्स में इंक्रीज कर दिया है। तो अगर देखो इस केस में अगर जो मेरा इनिशियल रेशो था उसको अगर एक्सलेट कर लूं, तो यहाँ पर मेरा हो जाएगा 1x:2x:3x, और यहाँ पर कितना हो जाएगा मेरा 3y:2y:1y। अब क्योंकि मुझे पता है जो थर्ड पेंसिल बॉक्स है उसके अंदर नंबर ऑफ पेन मेरे सेम है, तो यहाँ पर बोल सकते हो कि 3x:1y हो जाएगा। कैसे बोल रहा हूँ मैं, यहाँ पर इनको और उसको कंपेयर कर सकता हूँ मैं यहाँ पर, क्योंकि हमको बोला गया कि देखो फर्स्ट और सेकंड बॉक्स में पेंसिल बॉक्स में इंक्रीज करे पेन, पर थर्ड पेंसिल बॉक्स में पेन इंक्रीज नहीं करे हैं, सो जो रेशो मेरा पहले फर्स्ट इनिशियल रेशो था मेरा थर्ड बॉक्स के लिए, वो मेरा इसके इक्विवेलेंट हो जाएगा मेरा, सो 3x:1y, बेसिकली 3x:y आ रहा है मेरा से, तो y किसके इक्वल आ रहा है, 3x इक्वल आ रहा है। अब y की जगह पर 3x पुट कर दूंगा तो मेरा ये रेशो भी x के टर्म्स में बन जाएगा मेरा। ठीक है, देखो कैसे करेंगे हम, अब यहाँ पर पुट कर रहे हैं y की वैल्यू, हम y की वैल्यू पुट करेंगे 3x के अंदर, सो 3x:3 यहाँ पर मिल जाएगा 9x, इसके अंदर 3 पुट करेंगे तो यहाँ पर मिलेगा 6x, और यहाँ पर 1y की जगह पुट करेंगे तो 3x, देखो इक्विवेलेंट होगा रेशो 3x 3x। अब हमको बताना कि कितना इंक्रीज हुआ है अपना, 1x ही हो गया 9x, 2x ही हो गया 6x, तो कितना रेशो इंक्रीज हो गया, फॉर P1 पेंसिल बॉक्स 1 रेशो इज इंक्रीज, 9x-1x इज 8x, रेशो 8x हो गया, एंड फॉर P2 रेशो कितना इंक्रीज हुआ है, 6x-2x रेशो 4x इंक्रीज हो गया। अब आपको क्या बताना था, आपको बताना था कि इन दोनों का रेशो क्या है, यानी किस रेशो में P1 P2 में इंक्रीज किया है आपने, सो बेसिकली 8x:4x ये निकालना है हमें, जो कि हो जाएगा 2:1 अपना। सो आंसर होगा क्वेश्चन का, आपने 2:1 के रेशो में P1 एंड P2 में इंक्रीज किया, सच दैट कि जो मेरा नया रेशो था वो बन गया 3:2:1, सो आंसर इज 2:1। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।